नमस्ते दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे बिहार का ज्योग्राफी। बिहार के ज्योग्राफी में अभी हम पढ़ेंगे बिहार की मिट्टी। और मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन से जिले में कौन सा मिट्टी है और किस मिट्टी का क्या विशेषता है। ठीक है, तो आइए अच्छे से डिस्कस करते हैं। बिहार की मिट्टी मुख्यतः तीन भागों में बांटी गई है। ठीक है, पहला है उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, दूसरा है दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, और तीसरा है दक्षिण पठार की मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण बिहार के मैदान है, यहाँ पे दक्षिण के पठार है। ठीक है, तो उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी चार भागों में बांटी गई है। पहला है पीटमोट दलदली मिट्टी, दूसरा है तराई मिट्टी, और तीसरा है नवीन जलोढ़ मिट्टी, या उसे खादर मिट्टी भी कहते हैं, और चौथा है बलसुंदरी मिट्टी। उसी तरह दक्षिण बिहार के मैदान की जो मिट्टी है उसको तीन भागों में बांटा गया है, करैल केवाल मिट्टी, दूसरा टाल मिट्टी, और तीसरा बलथर मिट्टी। तो अब देखेंगे दक्षिणी पठार की मिट्टी, तो यह मुख्यतः दो भागों में बांटी गई है, लाल और पीली मिट्टी, और दूसरा है लाल और रेतीली मिट्टी। अब इसको एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिहार का मैप, जो कि कैसे कैसे कौन सी मिट्टी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले देखेंगे जो पीली कलर की है वो है यंगर एलुवियल सॉइल। ठीक है, मतलब कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो एकदम पीला है, ये जो है ये पूरा जलोढ़ मिट्टी है, नवीन नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद भावर मिट्टी, जो पीला में डॉट डॉट है, ये जो क्षेत्र है ये भावर मिट्टी का है। ठीक है, उसके बाद कैलकेरस एलुवियल सोयल है, उसके बाद तराई देख लेते हैं। एक तराई जो इंपॉर्टेंट है, ये जो क्षेत्र है ये सब तराई मिट्टी में जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ओल्डर एलुवियल सोयल देख लेते हैं, मतलब कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो ये कैसा है, इस तरह का है, जो डीप डीप येलो है, पीला है। उसके बाद यहाँ पे रेड सैंडी ऑयल देखते हैं, लाल में जो है। तो मैप ये ध्यान दीजिएगा जिससे कि पता रहे कि कौन सा मिट्टी कहाँ पे। यहाँ पे भी जो रेड सॉइल है यहाँ पे भी कुछ चंपारण में भी पाया जाता है। बिहार की मिट्टी चट्टानों के टूटने फूटने तथा उसमें होने वाले अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो तत्व एक अलग रूप ग्रहण करता है वही अवशेष मिट्टी कहलाती है। ठीक है, जो चट्टाने टूट फूट कर तथा उसमें अलग अलग भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आते हैं, उसी के फलस्वरूप जो अवशेष बचता है उसी को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी निर्माण में जल आर्द्रता तथा तापमान जैसे जलवायविक कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बिहार राज्य के 90% धरातल पर जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण के जलोढ़ मैदान में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार बिहार की मिट्टी को मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा जाता है। पहला है उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, दूसरा दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, तीसरा दक्षिणी पठार की मिट्टी। तो अब देख लेते हैं उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी क्या विशेषता है। तो इस क्षेत्र की मिट्टी गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी और सरयू नदी द्वारा लाए गए निक्षेपण अवसादों के कारण बनती है। इसलिए मिट्टी को आगे तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है। जैसे कि ये बिहार है, यहाँ पे गंगा नदी है, जो उत्तरी गंगा की सहायक नदियां हैं, जैसे गंडक हो गया, उसके बाद बूढ़ी गंडक हो गया, महानंदा इस साइड है, कोसी हो गया, तो ये सारे जो बात हो रही है ये उत्तरी बिहार की नदियां हैं, जो गंगा की उत्तरी सहायक नदी है। ठीक है, इसको तीन भागों में बांटा गया है, पीडमोट दलदली मिट्टी, तराई मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब देख लेते हैं पीडमोट दलदली मिट्टी, यह मिट्टी चंपारण के उत्तर पश्चिम, जैसे ये बिहार है तो यहाँ चंपारण है, तो इसी का अभी अभी हम मैप में डिस्कस किए, उत्तर पश्चिम भाग में सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर अधिक वर्षा के कारण मिट्टी की परत पतली रह जाती है। यह चिकनी मिट्टी होती है जिसका रंग हल्का भूरा एवं पीला होता है। इस मिट्टी में आर्द्रता एवं जैविक पदार्थ की अधिकता होती है, ये याद रखिएगा, मॉइस्चर और जैविक पदार्थ की अधिकता होती है। इस मिट्टी में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल है धान। अब देख लेते हैं तराई मिट्टी, बिहार में तराई मिट्टी पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक भारत नेपाल सीमा के 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है। यह हो गया पश्चिम चंपारण।
उसके बाद यहाँ पे आ गया किशनगंज, तो ये जो पूरा बेल्ट है 8 से 10 किलोमीटर का, यहीं पे पाई जाती है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन फास्फोरस की स्थिति कम होती है, फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो कम होती है। इस मिट्टी में कंकड़ के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। यह भूरे से पीले रंग की और प्रतिक्रिया में तटस्थ से मध्यम अम्लीय होता है, ठीक है। इस मिट्टी में चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इस क्षेत्र में लंबी घास और जंगल बहुलता में पाई जाती है, लेकिन खेती के लिए भी यह जमीन पर्याप्त है। जो तराई मिट्टी है ये बहुत ही पर्याप्त है, चाहे वो घास के लिए हो, जंगल के लिए हो, या खेती के लिए। इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं गेहूं, धान, गन्ना, जूट आदि, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी, नदियों द्वारा प्रति वर्ष बाढ़ के पश्चात छोड़े गए अवसादों से निर्मित मिट्टी को नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी कहते हैं। तराई के दक्षिण में नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। इस मिट्टी से धान और गेहूं की खेती की जाती है। उत्तर पूर्वी बिहार, ये जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी बिहार, जहाँ किशनगंज कटिहार है, में अधिक वर्षा के कारण इस मिट्टी में जूट की खेती होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देख लेते हैं बलसुंदरी मिट्टी। यह मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण जिले के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ किशनगंज हो गया, यहाँ पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, चंपारण हो गया, उसका दक्षिणी क्षेत्र की बात हो रही है, तो इसी तरह ये बेल्ट हो गया। इस मिट्टी को उत्तरी बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में 30% से अधिक चूने की मात्रा होती है, जो इसे प्रकृति में क्षारीय बनाती है, बेसिक बनाती है। इस मिट्टी में मक्का, गेहूं, गन्ना, धान, तंबाकू की खेती की जाती है, लेकिन यह मिट्टी क्षेत्र आम, लीची और केले की खेती के लिए भी सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि जो लीची है वो मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध है, उसके बाद केला जो है हाजीपुर में प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देख लेते हैं दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी उत्तर गंगा के मैदान और दक्षिणी पठार के बीच की में पाई जाती है। यह सोन, पुनपुर और फरगु नदियों द्वारा जमा जलोढ़ के कारण होता है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे है सोन, पुनपुन, ठीक है, ये क्षेत्र की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसको तीन भागों में बांटा गया है, जैसे करैल केवाल मिट्टी, टाल मिट्टी और बलथर मिट्टी। अब करैल केवाल मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह दक्षिणी बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका रंग गहरा भूरे से लेकर पीला तक होता है। इस मिट्टी का विस्तार टाल क्षेत्र के दक्षिण में है। यह रोहतास से गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में पाया जाता है। यही क्षेत्र है, यहाँ कैमूर का पहाड़ी है, यहाँ रोहतास है, उसके बाद यहाँ पे गया है, नवादा है, नालंदा है, यहाँ पे औरंगाबाद है, ठीक है। मतलब कि दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है। यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी की जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। ये पॉइंट याद रखिए कि करैल केवाल जो होती है वो जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक रखती है। यह चावल और रबी फसल जैसे कि गेहूं, अलसी, दलहन और चना के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अब देख लेते हैं टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र है, जो वर्षा काल में जल प्लावित होता है, जो वर्षा के ऋतु में जल से भरा हुआ रहता है। यह मिट्टी बाढ़, मतलब कि पटना जिले का बाढ़ एक स्थान है, ठीक है। बाढ़ से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी में पाया जाता है। यह भूरे रंग की मोटे कण वाली मिट्टी होती है। इस मिट्टी में लगभग वही विशेषताएं हैं जो खादर, मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी में होती है। ताल क्षेत्र में बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती है, इसलिए खरीफ फसलों की खेती का दायरा सीमित हो जाता है। मतलब कि खरीफ फसल जैसे कि जो धान हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो धान की खेती नहीं हो पाती है। वहां पे जो खेत होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, इसी के लिए कोई भी खेती नहीं हो पाती। लेकिन इस क्षेत्र में रबी फसलों की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। जैसे यह मिट्टी दलहन उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। टाल मिट्टी मतलब कि दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखते हैं बलथर मिट्टी। यह मिट्टी छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिणी मैदान के मिलन क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार कैमूर से भागलपुर तक 5 से 15 किलोमीटर तक एक एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाया जाता है। इसे लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में हल्के
कंकड़ मिलते हैं और इसमें लाल रंग की अधिकता होती है। ये लाल रंग का होता है, इसमें कंकड़ भी मिलता है। नाम से ही पता चल रहा है, बलथर मतलब बालू की मात्रा होगी इसमें। ठीक है, इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, करल के बाल में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक थी और यहाँ बलथर मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम है। इस मिट्टी में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं। अपरदन की अधिकता के कारण इस मिट्टी में कृषि की संभावना कम होती है। इस मिट्टी में सामान्यतः मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में मुख्यतः मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू आदि की फसलें उपजाई जाती है। अब देख लेते हैं दक्षिणी पठार की मिट्टियां। तो बिहार के दक्षिणी पठार में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। पहला है लाल और पीली मिट्टी। ये मिट्टी आग्नेय इग्नियस रॉक्स और कायंत्रित चट्टानों के विघटन से बनती है। चट्टानों में लौह तत्व की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। क्यों लाल होता है? तो चट्टानों में लौह तत्व की अधिकता के कारण। इस मिट्टी में पोषक तत्व तथा ह्यूमस की कमी होती है। पोषक तत्व इसलिए नहीं होता क्योंकि ये आग्नेय चट्टान से होता है और आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होता है। ठीक है, यह अनुपजाऊ मिट्टी होती है। ये याद रखिएगा, पॉइंट एकदम याद रखिएगा, अनुपजाऊ होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज, दलहन आदि उपजाए जाते हैं। यह बांका, गया, औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर में पाया जाता है। दूसरा जो मिट्टी है, लाल रेतीली मिट्टी। इस मिट्टी में रेत का प्रतिशत अधिक होता है जो उसे कम उपजाऊ और बाजरा और ज्वार की फसलों के अनुकूल बनाता है। इसके लिए, बाजरा और ज्वार की फसलों के लिए यह उपयुक्त है। यह मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ कैमूर और रोहतास का क्षेत्र है दक्षिणी पठार में। मुख्यतः ये दोनों मिट्टियां बहुत ही कम उपजाऊ है, मेनली ये बाजरा और ज्वार के लिए उपयुक्त है। बाकी इस मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा बालू ही पाया जाता है जिसे इसे अनुपजाऊ बनाता है। ठीक है, लास्ट में एक बात और कर लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे अभी हम लोग पढ़े, जैसे बलथर, तो बलथर था कैमूर, उसके बाद ताल, ताल था पटना या मुंगेर। ठीक है, उसके बाद तराई, तराई मिट्टी कहाँ था? चंपारण। ठीक है, एवं किशनगंज। ठीक है, उसके बाद भांगर, भांगर मिट्टी कहाँ था? पटना, गया और रोहतास। उसके बाद खादर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सहरसा, दरभंगा ये क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बालसुंदरी, बालसुंदरी कहाँ है? सहरसा और पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो ये कुछ थे जो छूट गए थे, वीडियो में डाल नहीं पाया था, तो इसे भी याद रखिएगा। मिट्टी के साथ साथ कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये सारी मिट्टियाँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।